नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज नाइन भारत चैनल की खबर का हुआ बड़ा असर। यूपी के बलिया जनपद के बेलथा रोड विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोनाडीह मार्ग काफी समय से जर्जर हालत में पड़ी हुई थी, जिससे राहगीरों व स्थानीय लोगों को काफी दुश्वारियां झेलना पड़ता था। लेकिन सोनाडीह जर्जर सड़क का कार्य अब तेजी से चालू हो गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता मोहम्मद सुफियान सोनाडीह जर्जर सड़क को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत कर जागरूक किया था, सिस्टम को जगाने का काम किया था। आज सोनाडीह जर्जर सड़क काफी तेजी से नई तकनीकी से काम चल रहा है, जिसको लेकर बेलथा रोड विधानसभा क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। जल्द से जल्द जर्जर सड़क से निजात मिलेगी। आज हमारे संवाददाता मोहम्मद सुफियान सोनाडीह सड़क बनने पर, काम चालू होने पर सोनाडीह के स्थानीय लोगों से व सोनाडीह ग्राम सभा के ग्राम प्रधान सूर्यभान भारती से बातचीत किए। आइए जानते हैं कि सोनाडीह ग्राम पंचायत के लोगों व सोनाडीह सड़क पर चलने वाले राहगीरों ने क्या कुछ कहा। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आदाब, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के सोनाडीह ग्राम सभा में। और आपको बता दूं कि काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से सोनाडीह जो है सड़क, जो सोनाडीह ग्राम सभा से निकल करके माँ भागेश्वरी के स्थान से निकल करके और बेलथरा रोड तहसील मुख्यालय यानी इमिलिया रोड होते हुए मेन रोड, मधुवन मेन रोड को जो सड़क जाती है, वो काफ़ी वर्षों से खराब जर्जर अवस्था में पड़ी हुई थी। और लगातार जो है इस सड़क की खबरें चली, लगातार जो है ये सड़क जो है लगातार अखबारों में, मीडिया में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम जगहों पे छाई रही, इसका मुद्दा छाया रहा। और मैं भी सोनाडीह आया और आकर के यहाँ इस सड़क के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से जाना, उनसे मैं रूबरू हुआ और जाना कि किस तरीके से सोनाडीह जर्जर सड़क पर ये लोग चलते हैं, किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करते हैं। और यहाँ के जो प्रधान है सोनाडीह ग्राम सभा, जो कि ऐतिहासिक ग्राम सभा माना जाता है, बहुत बड़ा ग्राम सभा है, माँ भागेश्वरी का स्थान है, यहाँ हर साल जो है मेला लगता है और हर साल जो है गैर जनपदों से भी सोनाडीह लोग आते हैं मेला देखने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। तो इसी ग्राम सभा के प्रधान है सूर्यभान भारती, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक अच्छे इंसान हैं। इनसे भी मैंने बात किया था और इस क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको, उनकी भी मैंने बैठक चलाई है सोनाडीह सड़क को लेकर के। काफ़ी लोग चिंतित थे लेकिन आज खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि सोनाडीह सड़क काफ़ी तेज़ी से काम लग चुका है। महंगी महंगी मशीनें जो है सोनाडीह सड़क पर दौड़ रही हैं, मटिया भरा जा रहा है, कंकड़े भरे जा रहे हैं और नई तकनीकी से ये सड़क बन रही है, जिसको देखने के लिए लोग उत्सुक हैं। और सड़क बन भी रही है, वहाँ लोग जमवाड़ा भी लगा के देख रहे हैं क्योंकि नई तकनीकी देखने को मिल रही है। तो सोनाडीह अब सड़क बनने लगी है और आइए हम बात करेंगे आज हमारे साथ सोनाडीह ग्राम सभा के और सोनाडीह आसपास जो सोनाडीह सड़क से प्रतिदिन जो है बाजार और तहसील मुख्यालय, ब्लॉक, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन जाने का काम करते हैं। तो आज प्रधान भी हैं इस ग्राम सभा के और इनके अगल बगल इस सोनाडीह क्षेत्र के लोग भी हैं। आइए जानेंगे किस तरीके का खुशी का माहौल है इस सड़क को बनने लगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सोनाडीह ग्राम सभा के ग्राम प्रधान सूर्यभान भारती से। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और आपसे एक सवाल है कि इसके पहले भी हमने आपसे बात किया था सोनाडीह सड़क को लेकर के, तो आपने सरकार पे निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी बातों को सुन ले तो इस क्षेत्र की जनता का जो है एक नया उद्धार हो जाएगा। तो आज तो ये सोनाडीह सड़क पे मशीनें आ गई हैं, काम भी चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, अब क्या कहेंगे बताइए। पहले राज्य सरकार व केंद्र सरकार के दोनों को धन्यवाद देते हैं कि जो सड़क बन रही है, सुनवाई जल्दी हो गई तो जनता में उत्साह है, खुशी का माहौल है। कुंडली ढाला से लेकर सोनाडीह ग्राम सभा तक बन रहा, काम जोरों पर चल रहा, तो एक खुशी है। सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जनता की आवाज़ सुनकर आज सड़क पर निर्माण करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रधान जी थे, अब हम बात करेंगे इस सोनाडीह ग्राम सभा के कुछ लोग हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं। आज इन्होंने सोनाडीह ग्राम सभा में एक कार्यक्रम रखा था, जिस कार्यक्रम का नाम था मेरा माटी मेरा देश, उसके तहत इन्होंने एक कार्यक्रम भी किया। उस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा और मैं सोचा कि सोनाडीह सड़क पर एक बार फिर से बात करूँ, क्योंकि अब दिन बदल गया, खुशी का माहौल है, सड़क बन रही है।
तो आपका क्या नाम है? शर्मा दास। अभी जो आप लोग के गांव से चल करके जो तहसील मुख्यालय बेंथरा जो सोनाडी मार्ग जाता है वो जो है चालू हो गया, उसका काम निर्माण चालू है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम कह रहे हैं कि काम हो रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। यानी अच्छा अब आप लोगों को खुशी है? हाँ, बढ़िया है। काफी दिनों से आप लोग परेशान थे? बहुत दिक्कत है, बहुत सामना झेले हैं। अच्छा, यानी आप खुश हैं? खुश हैं, ठीक है। और लोग भी हैं, जनता भी है। हम बात करेंगे साथी और हैं, आप अपना नाम बताइए। रामविलास प्रसाद। जोर से बोलिए। रामविलास प्रसाद। ये सोनाडी जो सड़क आपके ग्राम सभा से निकल करके तहसील मुख्यालय जाती है बेंथरा रोड, इसका काम चालू हो गया, आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। यानी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग बहुत पीड़ित थे और इस सड़क पे चलने पर दुश्वारियाँ झेलना पड़ा, अब नहीं झेलना पड़ेगा, अब उम्मीद जग गई है। अब हम बात करेंगे, हमारे बगल में एक किसान तबका के लोग हैं, आप इस क्षेत्र से हैं सोनाडी? आपका नाम क्या है? विजय शंकर। पूरा नाम? पूरा विजय शंकर। अच्छा विजय शंकर, ये बताएं, अभी जो सोनाडी से सड़क थी काफी सालों से जर्जर पड़ी थी, गड्ढे हो गए थे, लेकिन इस सड़क का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है और नई तकनीकी के साथ देखने को मिल रहा है, तो इस क्षेत्र के लोग काफी उत्सुक और खुश दिखाई दे रहे हैं कि अब सड़क बन रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अरे बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी बात, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, यानी अब लग रहा है कि आपकी परेशानी दूर हो गई। हां, परेशानी दूर हो गई, जल्दी जल्दी बन जाए, हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये सारे लोग सोनाडी के निवासी थे जो सोनाडी से प्रतिदिन बेंथरा तहसील मुख्यालय जाने का काम करते हैं। इन लोगों से हमने बात किया और प्रधान जी से भी बात किया, ये लोग सोनाडी सड़क का निर्माण कार्य देख करके काफ़ी उत्सुक हैं, खुश हैं, नई तकनीकी के साथ ये सड़क बनने जा रही है जो कि बलिया जिले की पहली सड़क होगी जो नई तकनीकी से बन रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, और जो वक्त बेंथरा रोड जाने में काफ़ी लंबा लगता था, अब कम समय में हम बेंथरा पहुँचेंगे अपने परिवार के साथ, और आने वाले समय में जब सोनाडी का मेला लगेगा तो अब मेला में भी भीड़ होगी, क्योंकि जब सड़क सही रहती है तो दूर दराज से लोग आसानी से चले आते हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।